आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question given is, along a yard 2 to 25 meters long, 26 trees are planted at equal distances, one tree being at each end of the yard. What is the distance between two consecutive trees? इसका मतलब ये हमारा first tree है और ये हमारा 26 tree है and in between हमारे पास और 24 trees हैं. तो ये total कितने हो गए 26 trees? That means हमारे पास gap कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5 up to 25. तो टोटल हमारे पास 25 गैप्स है या 25 डिस्टेंसेस हैं। तो इसका मतलब 25 गैप्स जो हैं ये टोटल हमारे पास इक्वल लेंथ के हैं। तो ईच गैप को हम ले लेते हैं x मीटर्स लॉन्ग। दैट मींस 25 गैप्स है तो 25x जो है 225 मीटर लॉन्ग के इक्वल होगा। तो जो x है ये 225 अपॉन 25 होना चाहिए। 5 से डिवाइड करते तो 45 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। तो जो गैप है मतलब दो ट्री के बीच का डिस्टेंस ये 9 मीटर्स होना चाहिए। सो दिस इज आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।